2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में अहम बैठक की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में बीएसपी किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ना एनडीए और ना ही इंडिया के गठबंधन में शामिल होगी। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही बैठक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने साफ कहा कि दोनों दलों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मायावती ने बैठक में साफ कहा, बीएसपी जब जब चुनाव पूर्व गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ करती है, पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ता है। 2019 चुनाव में मायावती ने यूपी में सपा के साथ 25 साल पुरानी अदावत को भुलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और सफलता नहीं मिली। हालांकि मायावती ने 2014 चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, फिर भी बीएसपी भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन यूपी में सपा और कांग्रेस को भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल मायावती के सामने बड़ी चुनौती है पार्टी की साख बचाने की। 2007 के बाद बीएसपी को विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दर चुनाव पार्टी को हार का सामना ही करना पड़ रहा है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में तो पार्टी का सबसे बुरा हाल हुआ। पार्टी 400 विधानसभा सीट में से मात्र एक सीट जीत पाई। ऐसे में मायावती को पार्टी के वजूद को बचाने के लिए 2024 में पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफलता दिलानी पड़ेगी, नहीं तो बीएसपी खत्म होने की कगार पर खड़ी होगी। मायावती ने बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भरपूर कोशिश की है। इधर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा झटका लगा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती लोकसभा में जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी, वहां वहां विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट बटेगा और सीधा फायदा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को पहुंचेगा। और एनडीए हो या इंडिया, केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए यूपी जीतना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने 2014 और 2019 दोनों आम चुनाव में यूपी जीता था। 2014 में 73 और 2019 में 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में 2024 भी बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखना चाहेगी और बीएसपी का ऐलान एनडीए के लिए ज्यादा मुफीद लग रहा है।